नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। 50 खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। योगी सरकार आज एक साल पूरे होने का जश्न मना रही है, लेकिन सरकार के ही मंत्री एक साल के कामकाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का ध्यान कामकाज से ज्यादा मंदिरों पर है। इशू पर हम लोग पार्टी बना करके चले। पूर्वांचल, आज पूर्वांचल पिछड़ा है, गरीबी बेरोजगारी या शिक्षा पूर्वांचल में है, लेकिन पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार का ध्यान बस खाली एक चीज में देख रहा हूँ, सरकार का ध्यान पूरा मंदिर पे है, खाली मंदिर, काशी मथुरा अयोध्या। अरे भाई, उस गरीब के विषय में सोचो जो आपको यहाँ तक बैठाया है, लेकिन सरकार को उस गरीब के विषय में बात तो है, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो पा रहा। तो जमीन पर काम नहीं हो रहा, ये आरोप सीधे सीधे मंत्री लगा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जहां सरकार के कामकाज पर सवाल उठाई, वहीं ये भी कहा कि सरकार की विकास योजनाओं में रिश्वतखोरी का बोलबाला है। गरीबों की सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड की है। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता जिस तरह मिलनी चाहिए, आप कहीं भी किसी कार्यक्रम में चले जाए, किसी गाँव में चले जाइए, तो आपको आज भी 150 लोग ऐसे मिल जा रहे हैं कि जो राशन कार्ड के लिए परेशान है। आज वो आवास के लिए परेशान है, आज वो शौचालय के लिए परेशान है। सरकार की मंशा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, लेकिन उन गरीब तक वो व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है। ये इसको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हैं। पैसे लिए जा रहे हैं, आज भी गांव में चले जाइए, जिनका आवास बन रहा है बगैर रिश्वत का नहीं बन पा रहा है। आप चले जाइए शौचालय के सवाल पे, बगैर रिश्वत का नहीं बन पा रहा है। अब जो बेचारा रिक्शा चला है, दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहा है, वो कहाँ से रिश्वत देगा? इसकी वजह से वो नहीं पा पा रहा है। जो वास्तव में पात्र व्यक्ति है गाँव में, वो नहीं पा रहा है। तो खुद मंत्री किस तरह से अपनी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, ये आपने सुना। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। कुमार, बड़ी बात है कि ये आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा है, कोई और नेता नहीं लगा रहा, सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ हो नहीं रहा, जो योजनाएं बन रही है वो जमीन पर तब्दील नहीं हो रही है। किस तरह से सरकार इस स्टेटमेंट को ले रही है? मीनाक्षी, ओम प्रकाश राजभर यूं तो पहले से नाराज हैं, लेकिन उन्होंने जो टाइमिंग चुनी है वो कह सकते हैं सियासी हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। आज सरकार का एक साल पूरा हो रहा है, सरकार आज अपने एक साल को लेकर के, एक साल नई मिसाल करके अपना गुणगान भी करेगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, ये निश्चित तौर पर योगी सरकार को परेशान करने वाला है। सिर्फ उन्होंने सरकार के कामकाज पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि राज्यसभा चुनावों में जो वोटिंग होनी है उसे लेकर के भी उनका रवैया ढुलमुल है। ऐसे में जिस तरीके से केंद्र में अलग अलग जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने जो अपना रास्ता अख्तियार किया है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी छोटे ही सही लेकिन बहुत ही कह सकते हैं अहम सहयोगी दल है, और ऐसे में इनकी ऐसी बातें कहना, सरकार पर सवाल उठाना, राज्यसभा को लेकर के जो चुनाव होने हैं उसमें इनकी अभी तक स्टैंड इनका क्लियर नहीं होना, कई ऐसे सवाल है जो खड़े कर रहा है सवाल कि आखिर क्या होगा इस सरकार का, क्या सरकार राज्यसभा जीत पाएगी? ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि नवा कैंडिडेट उतारा है और सरकार के एक साल पर तरीके से काम जिस बात का कुमार आपने जिक्र किया, टाइमिंग, जिस टाइमिंग पर ये स्टेटमेंट आया है, जब सरकार एक साल का जश्न मना रही है, तो यकीनन ये चिंता भरा एक बयान सरकार के लिए हो सकता है। लेकिन इस बीच हमारे पास योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रतिक्रिया भी आ गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मंत्री ओपी राजभर के स्टेटमेंट पर वो क्या कह रहे हैं। ये गरीबों की सरकार है, किसानों की है, मजदूरों की है, युवाओं के लिए, महिलाओं की, ये योगी सरकार है। और कहीं जो हमारे साथ जो रह रहे हैं और वो हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं, कहीं उनको उठाना है तो प्लेटफॉर्म कैबिनेट के अंदर होता है, मगर आप अंदर भी रहेंगे और बाहर बुराई भी करेंगे, ये दोनों चीज चलती नहीं है, इसका भी उनको ध्यान देना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।